प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको बहुत सी बरकत दे। तो आज जैसे हम प्रभु की हजूरी में बैठे हैं, तो मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ विश्वास में, कि विश्वास का जो मूल है, हमारे विश्वास का जो मूल है, मसीही विश्वास का जो मूल है, बपतिस्मा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। इस बात के ऊपर हम आज थोड़ा सा हम लेख देखेंगे वचन से के अनुसार, कि यह संसार में बहुत से बपतिस्मे हैं और बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा है। बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही हमारा विश्वास है। तो आज हम उस एक विश्वास की ओर देखेंगे कि वो कौन सा विश्वास है जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। तो यहूदा की पत्री में लिखा हुआ है कि वो विश्वास जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। आमीन। तो आज हम बाइबल की रोशनी में देखेंगे। तो बाइबल कहती है कि तेरे वचनों का खुलना प्रकाशन देता है, तेरे वचन को खुलना प्रकाशन देता है और सीधे साधे लोगों को वो समझ देता है। फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड मत डर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जिन बातों को तूने ज्ञानियों से समझदारों से छिपा के रखा, उन्हें बालकों के ऊपर प्रकट किया। बालक अर्थात सीखने वाले। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूँ आज संसार में बहुत से लोग जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, सच्चाई को सीखना चाहते हैं। तो आज हम बाइबल की रोशनी में, बाइबल के प्रकाशन में से देखेंगे कि ये बपतिस्मा क्या है, वो कैसे है, हमें कैसे लेना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे विश्वास का एक ही आधार है और वो बाइबल है। हमारे विश्वास का जो आधार है वो क्या है? बाइबल है। बाइबल के बिना हमारा कोई और दूसरा आधार नहीं है। नहीं है। तो आज मैं आपके पास सामने लाइव हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े समय के लिए खुदा के लोगों को ये बातें बताऊँ। मेरे मन में बोझ है कि लोग जाने, लोग सच्चाई को जाने। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमीन। और सच्चाई और कुछ नहीं है, सच्चाई कोई मनुष्य नहीं है, सच्चाई परमेश्वर का पवित्र वचन है। पवित्र कौन करता है? वचन करता है। सारी सृष्टि कैसे बनाई गई? वचन के द्वारा। हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। जब वचन ही परमेश्वर है तो हमें किसकी आज्ञा माननी है? हमें वचन की ही आज्ञा को मानना है। आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा सबको। जैसे हम अपने, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, हम चर्च नहीं लगा रहे। चर्च क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि हमारी सरकार का फरमान है, हमारी सरकार का ये फरमान है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कोई भी चर्च, कोई चर्च जो है वो चर्च, कोई भी किसी तरह का जो भी धार्मिक है, कुछ भी ना किया जाए। हमें सरकार की आज्ञा का भी पालन करना है। सरकार की आज्ञा पालन नहीं करना है, क्योंकि ये बातें जो हैं हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं। आमीन। बहुत से लोग सोचते हैं शायद बहुत बड़ी भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी, वहां पे यीशु आएगा। तो बाइबल में पढ़ते हैं कि जब भीड़ इकट्ठी हुई तो यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर पहाड़ पे चला गया। जब नीचे बहुत सी मत्ती 5:4 जो पढ़ते हैं, बहुत सी भीड़ इकट्ठी हुई और यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर कहां चला गया? वो पहाड़ के ऊपर चला गया और उसके चेले उसके पीछे आए, उसके अनुयायी उसके पीछे आए, बाकी नहीं आए, बाकी भीड़ उसके पीछे नहीं गई। उसके पीछे कौन गए? चले गए जो जीवन पाना चाहते थे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसके चेले वहां पे गए। चेले क्यों गए? कुछ चेले जीवन के भूखे थे, उन्हें जीवन चाहिए था। अभी उनमें एक स्थान था यूदा इस्करियोती, पर तो भी उनके साथ वो चला गया। पहाड़ पे जाना हमेशा मुश्किल होता है, पहाड़ पे चढ़ना हमेशा मुश्किल कार्य है। मैं पहाड़ों में जाता हूँ, मैं नेपाल में पहाड़ों में जाता हूँ, और पहाड़ों में चढ़ना हमेशा एक मुश्किल कार्य होता है और बहुत गहरी गहरियाँ खाइयाँ होती हैं। पर उसके चेले पहाड़ के ऊपर गए तो यीशु मसीह सीधे माने वाले लोगों को उपदेश करने लगा। धन्य हैं जो मन के दीन हैं, पहाड़ी उपदेश देने लगा। आमीन। हालेलुया, वो पहाड़ी उपदेश देने लगा। आमीन। पर यीशु आपको आशीष दे। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ऐ हमारे जिंदा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं
और उस बीमारी को तेरे यीशु नाम से शापित करते प्रभु, ताकि तेरे लोगों की भलाई हो सके, तेरे लोग आशीष पा सके। प्रभु मैं अपने इस कमजोर जीवन को तुझे सौंपता हूँ प्रभु, सारी कलीसिया को तुझे सौंपता हूँ जो अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रही है खुदावन, शलोम मसीह चर्च की ओर से सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं खुदावन, और तेरे लोग अपने अपने घरों में बैठकर, मैं जानता हूँ खुदावन तूने उन्हें एक समय दिया है कि वो तेरी आराधना उपासना कर सके, तेरे आगे सर को झुका सके, अपनी तैयारी कर सके। प्रभु हम जानते हैं इन दिनों में किसी दिन जल्दी आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा, तेरे लोग हवा में उठाए जाएंगे और बादलों में तुझसे मिलेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है खुदावन, तेरे साथ रहना। हमारा उद्देश्य पैसे इकट्ठा करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कोई और काम करना नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, वो है रैप्चर। खुदावन ऐसा अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे साथ रहें प्रभु, तेरे स्वभाव को, तेरे करैक्टर को अपने जीवन में ले सके प्रभु, उस विश्वास को जो एक ही बार सौंपा गया है उस विश्वास को अपने जीवन में ले सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम मत्ती की अरे सुसमाचार इसका 7 चैप्टर इसकी 7 ऐसे पढ़ेंगे हम, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये बाइबल की बड़ी मशहूर आयत है, बड़ी मशहूर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ये नहीं कहा प्रभु ने कि तुम बंगला मांगो, गाड़ी मांगो, ये नहीं कहा उसने, उनका तुम पवित्र आत्मा मांगो। क्या मांगो? पवित्र आत्मा, कि वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारा मददगार है। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा कौन है? मसीह का आत्मा, उसे मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा बाइबल में कहा गया है। और वो आत्मा क्या है? वो आत्मा अपने लोगों की अगुवाही करता है। पढ़िए, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है। बस अब यही रुकेंगे। तो ये 3 शब्द है, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो इन 3 शब्दों में से आज मैं 1 शब्द लेना चाहता हूं, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो ढूंढने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए हमारा खो क्या गया। सही बात है ना? ढूंढने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा क्या खो गया। कुछ तो खो गया है, जिसके विषय यीशु का कि ढूंढोगे तो तुम क्या ढूंढेंगे हम? क्या किसी गिरजे को ढूंढेंगे, किसी मनुष्य को ढूंढेंगे, किसी पास्टर को ढूंढेंगे? नहीं, तो कुछ खो गया है जो हमें पाना है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, पाओगे। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ यहूदा इसकी पत्री, यहूदा की पत्री इसका 1-4 से पढ़ेंगे। सही ही चैप्टर है, 1-4 से पढ़ेंगे। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से, अब 3 से पढ़िए, हे प्रियो, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम में, जब मैं तुम्हें उद्धार के विषय में, मुक्ति के विषय में लिखने में अधिक परिश्रम करता था, वो बहुत मेहनत करता था लिखने में। आप जानते हैं जब मूसा को वचन लिखने के लिए कहां जाना पड़ा? रेगिस्तान जाना पड़ा। पौलुस को लिखने के लिए कहां जाना पड़ा? अरब में जाना पड़ा। क्यों? रेगिस्तान, दुखों में। कैसे वचन लिखे नहीं गए? जब बड़ी मुश्किल में, बड़ी आत्मा की प्रेरणा से लिखा। कोई वचन बिना आत्मा की प्रेरणा के लिखा? वो रात रात दिन दिन प्रार्थना करते थे, प्रभु से बातें करता था। हालेलुया हालेलुया। तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए इन वचनों को पर विश्वास करने के लिए, प्राय लोग इस पे विश्वास नहीं करते। पढ़िए, परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, परिश्रम मेहनत करके प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, जिसमें हम सभी सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना, मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरा ही यत्न करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। किसको सौंपा गया? पवित्र लोगों को। लोग तो पवित्र हैं, पर उन्हें वो विश्वास एक ही बार सौंपा गया, बार बार सौंपा। परमेश्वर का पहला फैसला ही उसका आखिरी फैसला होता है। हम जानते हैं उन्हें बलाम को आज्ञा दी वहां नहीं जाना, तो बलाम फिर पूछने आ रहा है, प्रभु मैं आप जाऊं? उसने जा, प्रभु का पहला फैसला ही उसका सही निर्णय था। आमीन। हालेलुया। उसका पहला निर्णय
एक सही निर्णय था। आमीन। हमारे प्रभु का पहला फैसला सही निर्णय है तो हमारा भी, हमारे प्रभु ने जो पहला फैसला दिया वही हमारे लिए सही निर्णय है। आमीन। तो मैं चाहता हूं, मैं ज्यादा वचन ही पढ़ना चाहता हूं ताकि वचन तसली देता है। वचन क्या देता है? तसली देता है। आमीन। सबसे ज्यादा परमेश्वर ने महिमा दी है किसको दी है? अपने वचन को दी है। सबसे ज्यादा महिमा किसको दी है? अपने वचन को ही दी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह भीड़ों में नहीं आता, आके बट्ठे में कितने थे? तीन थे। चौथा कौन था? यीशु। भीड़ तो बहुत थी, बाहर बहुत भीड़ थी, पर आके बट्ठे में कितने थे? दानी शेरों की मान में कितने थे? दानियल अकेला था। हालेलुया। नूह की किश्ती में कितने थे? 8 लोग थे। कितने थे? 8। सदोम मोरा में कितने थे? अब्राहम और सारा कितने थे? मैंने कहा जहां 2 जहां 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। आमीन। उसका वायदा है, वो आएगा, वो रहता है। क्योंकि उसने कहा जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर मेरे मुंह की बातें कभी टलेगी नहीं। आमीन। कभी टलेंगी नहीं। ये वचन कभी ना टलने वाला वचन है। संसार का न्याय किससे होगा? इस वचन से होगा। पर धन्य वो लोग हैं जिनका न्याय नहीं होगा, जिनका न्याय यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। देखा, जो मसीह में है उसमें दंड किया गया नहीं है, उसमें कोई दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उसका सारा केस यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। सारी उसकी सजा अपने ऊपर, उसका न्याय यीशु मसीह ने चुका दिया है, उसकी जो पेमेंट है यीशु मसीह ने दे दी है। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें रवायती मसीह नहीं बनना है। आज एक संसार से कुछ खो गया है तो क्या खो गया है? यीशु मसीह का करैक्टर खो गया है, यीशु मसीह का चरित्र लोगों ने खो दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह वही लौटाने आया है, यीशु मसीह उस करैक्टर को लौटाने फिर आया है। तो करैक्टर में पहला कौन सा है? विश्वास। पहले कौन सा है? विश्वास। और विश्वास जो है, विश्वास क्षमा के ऊपर आधारित है। आमीन। मेरा नबी कहता है विश्वास क्षमा के ऊपर आधारित है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपको बहुत सी बरकत दे। जो सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं उनको यीशु मसीह बहुत ज्यादा आशीष दे। जो विश्वास कर रहे हैं उन्हें और भी ज्यादा क्या देगा? आशीष देगा। आप इस वचन को ग्रहण करके देखिए, आप अपने जीवन में आशीषित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। जैसे पौलुस कहता है आनंद रहो, फिर कहता हूं आनंदित हो। हालेलुया हालेलुया। सारा आनंद, सारी भरपूरी इसी वचन में पाई जाती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु को आशीष दे। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप इफिसियों की पत्री इसका 4:4 से पढ़ेंगे। एक ही प्रभु, एक ही देह है और एक ही आत्मा। देह कौन? मसीह के चुने हुए लोग, अंग। मसीह के चुने हुए अंग, जो जिनके पास एक ही विश्वास है, जिनके पास एक ही विश्वास। जो पौलुस के पास विश्वास था वही पत्रस के पास था, वही बाकी चेलों के पास था। किसी का विश्वास अलग नहीं था, सबके पास एक ही विश्वास है। पढ़िए, एक ही आत्मा है जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है कि हम सब यीशु के साथ होंगे। एक ही प्रभु है एक ही विश्वास एक ही बपतिस्मा है। आमीन आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है एक ही बपतिस्मा है। तुम संसार में देखते हैं, संसार में तो बहुत से बपतिस्मे हैं। किसी संस्था के पास कोई है, किसी के पास कोई है, किसी के पास कोई है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। मेरे वो भाई बहन है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, सच्चे मन से प्रेम करता हूँ। मेरे भाई बहन है और प्रभु उनको बहुत ज्यादा आशीष दे। पर मैं चाहता हूँ मेरे भाई बहन गड़बड़ से बाहर आए, बाबुल से बाहर आए। लिखा है मेरे लोगों इनमें से बाहर आओ। मैं नहीं चाहता कि अपने चर्च छोड़ें, मैंने ये नहीं चाहता कि अपने चर्च छोड़ दें। नहीं, चर्च नहीं छोड़ना। वो चर्च में रहकर ही, अपने चर्च में रहकर ही ज्योति का ज्योति लोगों को दिखाएं, जो अंधकार में उनको ज्योति दिखाएं ताकि अंधकार भाग जाए। हालेलुया। मेरा उद्देश्य लोगों को बहुत भीड़ को इकट्ठा करना नहीं है, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा एक उद्देश्य कि लोग सत्य को जाने और आजाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस करैक्टर को ग्रहण कर ले, उस करैक्टर को ग्रहण कर ले। आमीन। उस चरित्र को ग्रहण कर ले, विश्वास से लेकर भाईचारे के प्रेम तक। आमीन। यीशु आपको आशीष देगा। ठीक है। आमीन।
विश्वास, कौन सा विश्वास? तो ये सबसे पहले हम जानते हैं जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा, पहले उसने खुद करके दिखाया। यीशु मसीह ने कहा चेलों के गंदे पांव धोए, कहा तुम भी इस रीति से किया करो, तुम भी इस रीति से किया करो। मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, तुम भी वैसे ही किया करो। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने जो उसने बपतिस्मे की आज्ञा दी उसने खुद लेके दिखाया, बपतिस्मे की आज्ञा दी खुद लेके। आप कहेंगे यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो तो पाप से अनजान था, वो तो पाप से पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, उसने कोई पाप, उसने बपतिस्मा क्यों लिया? यीशु मसीह वचन है, और वचन हमेशा नबी के पास आता है। जैसे अमोस की पुस्तक में लिखा है कि वो वचन नबी के पास आता है, वो नबी के पास गया। यूहन्ना कौन था? यूहन्ना नबी था, लोगों की दृष्टि में नबी नहीं था वो। कैसे था यूहन्ना? एक जंगली सा मनुष्य जिसकी भाषा भी अच्छी नहीं थी, जो पढ़ा लिखा भी नहीं था, टिड्डियां खाता था, शहद पीता था, जंगल में रहने वाला था। उसकी भाषा ऐसी थी कुल्हाड़ा वृक्ष की जड़ पर रखा हुआ है, उसने वृक्ष काटने का कोई ठेका नहीं लिया था। उसने किस्मत को वृक्ष कह रहा, मनुष्यों को वृक्ष कह रहा कि जो अच्छा फल नहीं लाएगा वो आग में झोंका जाएगा। आमीन। हालेलुया। हमें प्रभु के लिए अच्छे फल लेके आना। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास से लेकर भाईचारे की प्रीति तक ये सात फल है, ये सात गुण है और सात फल भी हैं। सात फल देखे तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। फलों से हम पहचाने जाते हैं, अपने स्वभाव से, अपने करैक्टर से पहचाने जाते हैं। कौन सा करैक्टर? मसीह का करैक्टर। मुझे मसीह होने में घमंड है कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह। मसीह लोग शर्माते हैं, फिर लोगों को पता ना चलेगा ये मसीह है, पर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं एक मसीह हूं। आमीन। हालेलुया। मसीह मुझे अपने साथ लेके जाएगा, मुझे इस बात का घमंड है कि मैं मसीह के साथ हमेशा उसके साथ रहूंगा। इस बात का मुझे घमंड है कि मैं अपने प्रभु के साथ रहूंगा। हालेलुया। ठीक है। आमीन। ठीक है। हम पढ़ रहे वचन में यीशु मसीह वचन है, वो किसके पास गया? यूहन्ना को। यूहन्ना नबी था, वो वचन था। बलिदान को, बलिदान करने से पहले उसे धोया जाता था। यीशु मसीह बलिदान था, यूहन्ना याजक का बेटा था, याजक धोता था, महायाजक का बेटा था, जकरिया का, वो जकरिया भी था, वो लेवी था। वो बलिदान याजक के पास गया कि उसे कुर्बान होने से पहले धोया जाना जरूरी था। आमीन। हालेलुया। बात समझाई? यीशु मसीह ने सारा ही वचन पूरा किया। जब उसने किया फिर कम से कहा तुम भी करो, तुम भी वैसे ही किया करो, तुम भी वैसे ही करो, मैंने हमें आज्ञा दी है। यूहन्ना कहता है प्रभु मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मैं तो तेरी जुत्ती का बांध खोलने के योग्य भी नहीं हूं। उनमें मुकाबला हो रहा था, उनमें यीशु मसीह में और यूहन्ना में एक मुकाबला हो रहा था। मुकाबला कौन सा था? दीन बनने का। प्रभु नहीं, यीशु कह रहा है ऐसा होने दे, वो कहता नहीं प्रभु मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं। उन्हें बड़ा बनने का मुकाबला नहीं था, उनमें मुकाबला था दीन बनने का, नम्र होने का। हालेलुया। तो आज लोगों में मुकाबला कैसा हो रहा है? मैं बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा पास्टर बनूं, मैं बिशप बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। लोगों में मुकाबला बड़ा होने का, पर उनमें मुकाबला किसके बात का था? दीन बनने का। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने तभी कहा तुम दीन बनो, नम्र बनो। यीशु कहता मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया हूं, मैं सेवा करने आया। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मेरे साथ आप मत्ती की पुस्तक इसका 28 चैप्टर इसकी 19 आयत पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी। जब यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे, जब यीशु मसीह उठाया जाने वाला था, तो उन्हें जाके अपने चेलों को आज्ञा दी तुम सब जातियों के पास जाओ। एक जाति के पास नहीं, सब जातियों के पास जाओ, पूरे संसार में जाओ, पूरे जगत में जाओ। कोई ये उद्धार का समाचार एक जाति के लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो किसी का धर्म नहीं बदलता, वो ईमान बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह हम पहले पाप में थे, यीशु धर्मी बनाता है। पहले बुराई में थे, यीशु मसीह क्या करता है? हमें धर्मी बनाता है, हमारे पापों को क्षमा करता है,
हालेलुया। पाप करने का स्वभाव अंदर से खत्म करता है, अपनी आंखों हमारी आंखों को क्या करता है, वो अभिषेक करता है। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम किसी स्त्री की ओर बुरी दृष्टि से देखते हो तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन से ऐसी बातों को निकालता है, हमारे जीवन से पाप को निकाल। पाप क्या है? अविश्वास। पाप क्या है? अविश्वास करना परमेश्वर के वचन के ऊपर। अविश्वास जब हम बीड़ी सिगरेट पीना, ये पाप नहीं है, ये तो पाप के फल है। नशा करना, ये क्या है? ये पाप के फल है। पहले हम अविश्वास, बाइबल लिखा है तू खून मत करना, तू खून मत करना। तो पहले हम अविश्वास करते हैं फिर खून करते हैं। तो बाइबल का जो अपने भाई से घृणा ही करता है वो खूनी है। तो किसी खूनी में अनंत जीवन नहीं ठहरता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। मैं इस बाइबल से इतना प्रेम करता हूं, क्यों करता हूं? इस बाइबल में संपूर्ण उद्धार का सुसमाचार, संपूर्ण उद्धार। इसमें दाऊद ने गलती की तो परमेश्वर ने पर्दा डाला, लिखा गया। अब्राहम ने गलती की, लिखा गया। नूह ने गलती की, लिखा गया। लिखो, उसने पर्दा डाला, क्षमा किया, लेकिन पर्दा नहीं डाला उसने। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। तुम सारे जगत में जाओ, सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। नामों से नहीं, नाम से। किससे? नाम से। अब देखिए, पिता किसी का नाम नहीं होता, पुत्र किसी का नाम नहीं होता, पवित्र आत्मा किसी का नाम नहीं है, ये टाइटल है। ये क्या है? टाइटल है। अगर मैंने आप किसी को चिट्ठी लिखनी हो, अपने भाई को चिट्ठी लिखनी हो, तो मैं भाई लिख के भेज दूं, चिट्ठी मेरे भाई को मिल गया, मिल जाएगी? No. नहीं मिलेगी। भाई का नाम लिखना पड़ेगा। वो लिखा आसमान के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, बस एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। एक नाम दिया गया। आमीन, आमीन। हालेलुया। और वचन कहता है कुलसियों 3:7-3 का लिखा हुआ है, 3 में लिखा है, तुम वचन करो चाहे कर्म करो, सब यीशु मसीह के नाम से करो। दुष्टात्मा किस नाम? यीशु का। जाओ सारे जगत को प्रचार करो। दुष्टात्मा किस नाम से निकालते हैं? रोगी किस नाम से चंगे होते हैं? को दूसरा नाम कोई दिया ही नहीं। आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम दिया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। हालेलुया। जो मेरे भाई इसको सुनेंगे, इस बातों को पर अच्छी तरह वो क्या करे? विचार करना, अच्छी तरह बैठकर विचार करना, मनन करना। अगर बातें वचन के अनुसार हो तो मैं आपका नम्र दास होने के नाते कहता हूं इसे ग्रहण कर लेना। अगर बातें वचन के अनुसार ना हो तो छोड़ देना, तो ये वचन मेरा वचन नहीं है। तो सारा ही पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। आमीन। किससे रचा गया? प्रेरणा से। परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। विश्वास करने के लिए हमें किसी बड़े पढ़ाई की जरूरत नहीं है। यीशु ने जाओ तुम प्रचार करो, उसने ये नहीं कहा जाओ तुम बाइबल कॉलेज खोलो, ये नहीं कहा उसने जाओ तुम स्कूल खोलो। ये स्कूल खोलना अच्छी बात है, हॉस्पिटल खोलना अच्छी बात है, इन बातों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। लोगों की सेवा करना अच्छी बात है, इसके खिलाफ हम नहीं है, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। दूसरों की हेल्प करना, इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। पर ये यीशु की आज्ञा नहीं है। आज्ञा किसकी है? प्रचार की। जाओ समस्त जातियों के सामने प्रचार करो, सारी सृष्टि के सामने क्या करो? प्रचार करो। हमारे भी इंडिया में प्रभु का संत थॉमस आया था, प्रचार किया और उसको मार दिया गया। हालेलुया। हमेशा हर एक संत ने अपने लहू के द्वारा इस बाइबल के ऊपर वचन को मोहर किया है, अपनी गवाही को मोहर किया है। आमीन। हालेलुया। ठीक है, तो अगर देखो जगत के अंत तक, देखो जगत के अंत तक, सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। फिर तो हम दूसरी जगह पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार में 1:4 में पढ़ते हैं कि तुम यही ठहरे रहो, यही ठहरे रहो।
जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाओ, जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाओ यहीं ठहरे रहो। अभी प्रचार नहीं करना, बिना सामर्थ के प्रचार नहीं करना। ये वचन ट्रैक्स बांटने द्वारा नहीं गया लोगों तक, ये वचन सामर्थ द्वारा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। वचन कैसे जाएगा? सामर्थ के द्वारा। कैसे जाएगा? सामर्थ के द्वारा। आमीन। तो यीशु मसीह के जो चेले थे उन्होंने बांझे के प्रचार किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को चंगा किया, बाहर जाके लोगों को प्रचार किया। आमीन। और जो चिन्ह उनके साथ साथ होते थे उससे वचन अपने वचन को प्रमाणित करता था, अपने वचन को यीशु क्या करता था? प्रमाणित करता था कि ये वचन मेरी ओर से है, ये मेरा वचन है, ये चेलों का वचन नहीं है। चेलों का वचन बाया, हम जानते हैं जो नबी थे, नबी परमेश्वर का मुंह होते हैं, नबी परमेश्वर का कलीसिया के लिए नबी आंखें होते हैं, देखने वाले होते हैं। तभी लिखा अगर आंख निर्मल है तो सारा शरीर निर्मल है, अगर सिखाने वाले गलत है तो सारी कलीसिया ही गलत है। हालेलुया, आमीन। जिसके पास सही नबी है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक नबी दिया। उस नबी का नाम विलियम मैरियन ब्रनम है, और वो इतना अधिक नम्र इंसान था, हलीम इंसान था। हालेलुया, उसने वही कहा जो परमेश्वर के वचन ने कहा। तो नबी पर्दे के पार देखता है, नबी पर्दे के पार देखता है, और मैं उसकी हर एक बात के ऊपर विश्वास करता हूँ। उन्हें जो कहा परमेश्वर के वचन से कहा, पर बंद बातों को खोल के दिखाया। सात मोहरों में सभी भेष छुपे हुए थे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे ही भेद सातों मोहरों में छिपे हुए थे। वो समय ये भेद रहा कि हवा ने कौन सा फल खाया, कोई कहता गेहूं खाया, एक भाई कह रहा उसने खरमानी खा ली, एक कहता सेब खाया, एक कह रहा हवा ने सेब खाया, आधा सेब खाया तो आधा आदम को दिया, जब आदम खा रहा था तो परमेश्वर ने वाह लगा दी, उसके यहीं फंस गया। ये जो बना हुआ है ये उसकी वजह से बना हुआ है, ये अंधे लोगों की बातें हैं। लिखा अंधा अंधे का गवाह सब कहां गिरेंगे? गड्ढे खड्डे में गिरेंगे। तो बाइबल कहती है, बाइबल ने लाइव व्यवस्था 19 चैप्टर लिखा हुआ है, आस्था इसमें लिखा हुआ है, तुम अंधे को भटकाना मत, अंधे को मत भटकाना। हालेलुया, आमीन। क्या आप आशीष पा रहे हैं? क्या वचन और आशीष पा रहे हैं? ये परमेश्वर का वचन है, ये भाई दास का वचन नहीं है, पास्टर दास का वचन नहीं है। मैं आपका भाई हूँ, एक नंबर भाई हूँ, और मैं सबसे प्रेम करता हूँ। ये मेरा वचन नहीं है, जिस यहोवा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तुम बाहर जाके प्रचार नहीं करना, अभी बाहर जाके प्रचार नहीं करना, तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे। जब सामर्थ पाओगे फिर पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आमीन। तो इस प्रकार हम देखते हैं वो 120 जन थे, माता मरियम भी उनके साथ थी। बोल कहते माता मरियम स्वर्ग में उठा ली गई है, वो मैं मरियम मेरी बहन है, विश्वासी बहन है, मरियम विश्वासी बहन है, और वचन से वचन पाई जाती है। मरियम की मूर्ति को मैं नहीं मानता हूँ, जो मूर्ति मैंने उसको नहीं मानता हूँ, और जो सच में मरियम है उस वो तो मेरे साथ होगी, रैप्चर में मेरे साथ होगी। हालेलुया, यूसुफ की लोग मूर्ति लगाते हैं, उस यूसुफ मूर्ति वाले यूसुफ को मैं नहीं मानता हूँ, मूर्ति वाले यूसुफ को मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो उसको मानता हूँ सच में यूसुफ था, यूसुफ सिद्ध था। हालेलुया, मैं तो उस यूसुफ को मानता हूँ जो मेरे रैप्चर में मेरे साथ होगा, वहां हम सब इकट्ठे होंगे, अपने प्रभु यीशु मसीह की करेंगे आराधना करेंगे, वहां क्या करेंगे, वहां दौल के जबूर भी गाए जाएंगे, पवित्र पवित्र हर समय आनंद ही आनंद होगा, हर समय वहां पे आराधना ही होगी, हर समय वहां पे आराधना होगी। हालेलुया, मैं तो वहां रहना चाहता हूँ, मैं वहां। एक बार किसी ने क्वेश्चन किया हमारे नबी को कि भाई मैं आपका प्रचार सुनने के लिए गई तो वहां बहुत शोर था, बहुत शोर था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नबी कहता फिर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, जब वहां तो शोर ही शोर होगा, वहां तो शोर, जहां जीवन होता है वहां शोर होता है, जहां जीवन होता है वहां क्या होता है, शोर होता है, वहां शोर होता है। आमीन, हालेलुया, जहां जीवन होता है वहां शोर होता है। मैं जाता हूँ, एक बार की एक भाई विदेश गया था, वो विदेश से जब वापस आ रहा था अपने घर में फोन किया,
अपनी पत्नी को प्रिय तुझे क्या चाहिए, वहां पे बहुत अच्छे गहने मिलते हैं, वो ले आना मेरे लिए, कानों की बाली ले आना, गले के लिए हार ले आना, बहुत डिमांड थी उसकी। बेटे से पूछा पापा मैं लैपटॉप लेके आना, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, सबकी सिफारिशें थी। कहना मेरी छोटी बेटी से मेरी बात करो, जब बेटी से बात की पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस आप आ जाओ। धन्य और मुबारक वो है जिसे यीशु चाहिए। आज लोगों को क्या चाहिए, आज लोगों को संसारी बरकतें चाहिए, जो सब गिरने की बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर कोई दीवार खड़ी नहीं होगी, हर दीवार गिराई जाएगी, गिरजे भी गिराए जाएंगे, चर्च भी गिराए जाएंगे। हमारे पास चर्च है, बिल्डिंग है, पर चर्च बिल्डिंग है, चर्च नहीं, चर्च तो हम है, वो भी गिराई जाएगी, वो खड़ी नहीं रहेगी। हालेलुया, क्या क्या वो खड़ी रहेगी नहीं, वो जब लिखा कोई खड़ी नहीं रहेगी तो मतलब नहीं खड़ी रहेगी। आमीन, हालेलुया। वो सुलेमान का मंदिर जो वो गिराया गया, गिराया गया ना, हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर कोई दीवार खड़ी नहीं होगी, बस एक ही हमारा यीशु मसीह का वचन कभी टल नहीं सकता, बाकी हर एक चीज टल जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं इसके दो चैप्टर का लेंगे, वो 120 लोग एक अटारी के ऊपर बैठे हुए थे, माता मरियम उनके साथ थी। तो सुबह अचानक, अभी दिनचर्या में नहीं था, तो वहां बहुत सा क्या हुआ, एक वहां पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक के साथ उतरा, सामर्थ के साथ उतरा, वो आग सी फटती हुई जीपे हर एक के ऊपर आकर ठहर गई, हर एक के ऊपर आकर, और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां 14 देशों के नाम लिखे हुए हैं, पर कभी जितने भी संसार के नीचे देश है, सब संसार से लोग वहां भक्ति करने के लिए आए हुए थे, पर 14 देशों में वहां नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सभी अपने अपनी अलग अलग भाषा बोल रहे थे, सभी एक ही नहीं बोल रहे थे, आज हम देख सब एक ही बोलते हैं, पर वो सभी अलग अलग भाषा बोल रहे थे। जो सुनने वाले थे सोचा उन्होंने शराब पी हुई है, नशा की हुई है, मदरा पी हुई है। तो पतरस, मछली पकड़ने वाला पतरस खड़ा हुआ, हे भाइयों अभी तो दिन पैर चढ़ा है, इन्होंने नशा नहीं किया है, इनके ऊपर वो वचन बहाया गया है जो योएल में लिखा है, जो योएल ने भी लिखा है कि मैं तुम्हारे पुत्र पुत्री ऊपर क्या करूंगा, अपना आत्मा डेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां आत्मा डेला गया है वो वचन पूरा हुआ है, वचन पूरा हुआ है, उनके ऊपर आत्मा डेला गया है। वो सभी अन्य भाषा बोल रहे थे, कहने क्या ये गलीली नहीं, जिस देश का नहीं, सबको अपनी अपनी भाषा समझ आ रही थी। उनका अनुवाद कौन कर रहा था, अनुवाद समय प्रभु परमेश्वर हमारा यहोवा कर रहा था, यीशु मसीह उनका अनुवाद कर रहा था। हालेलुया, अनुवाद कर रहा था, सबको समझ आ रही थी, समझ आ रही थी ना, पढ़ते वहां सबको समझ आ रही थी। तब उसने प्रचार किया, पत्र ने सामर्थ के द्वारा लंबा प्रचार नहीं किया, मैं गाड़ी देखा 20 मिनट का प्रचार किया होगा पतरस ने, बहुत लंबा प्रचार नहीं किया, ज्यादा या 20 मिनट का प्रचार किया होगा। तो वहां लोग चिल्लाने लगे, हे भाइयों अब हम क्या करेंगे, हम बचाए जाए। 37 में पढ़ते हैं, इसके 38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों, और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। एक भाई कहता है डाकू ने बपतिस्मा ले लिया था, तो मैंने कहा भाई तू अपने को डाकू क्यों बनाता है, उसके पास तो टाइम नहीं था, वो तो यीशु के वचन द्वारा शुद्ध हो चुका था। आमीन, तो तू अपने को डाकू, तेरे पास तो टाइम है, तू डाकू अपने को डाकू क्यों बनाता है, तू डाकू क्यों बनना चाहता है। हालेलुया, आज लोगों पर वचन तोड़ने के बहुत से बहाने हैं, वचन नाम मानने के बहुत से बहाने हैं, पर वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां कोई दलील नहीं चलेगी, कोई अपील नहीं चलेगी, वहां बस ये वचन चलेगा। आमीन, क्या चलेगा, वचन। आमीन, हालेलुया। तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले, पढ़िए, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने से पहले मिल सकता है, पहले मिल सकता है, लेकिन फिर भी वो अगुवाई कहां करेगा,
वचन की ओर गवाही करेगा। कहां गवाही करेगा? वचन कि यीशु मसीह के नाम से बहुत उस मांगे। हालेलुया, आगे बढ़िए। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम, ये प्रतिज्ञा तुम अर्थात यहूदियों से और तुम्हारी संतानों, तुम्हारी संतानों से भी और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए, दूर दूर जैसे हम है, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सारे संसार के लिए एक ही प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। इसके हम 41 आयत पढ़ेंगे। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, लगभग 3,000 मनुष्य उनमें जब क्रिस्त की स्थापना हुई तो 3,000 लोग होने, लगभग गिनती पूरी नहीं है, 37.5 हो सकता है, 30-10 ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। लगभग 3,000 लोगों ने लिया, किस नाम से? यीशु नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नाम से। हालेलुया, तो हमें किस नाम से लेना है? जब कलीसिया की स्थापना हुई, पेंतेकुस्त के दिन जब कलीसिया की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना की गई तो किस नाम से बपतिस्मा लिया गया? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने पत्रस को, पत्रस मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग राज्य की कुंजियां, जो तू बांधेगा स्वर्ग में, जो खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा। जब पहली चाबी लगाई गई तो कौन सा भेद खुला? यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। देखिए मैं अपनी पत्नी का पति हूँ पर मेरा नाम पति नहीं है, बच्चों का पापा हूँ, डैडी हूँ पर जी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम दास है, मेरा नाम दास है। लोग मुझे दास के नाम से जानते हैं, पापा के नाम से नहीं जानते, ना पुत्र के नाम से नहीं जानते। अपने माँ बाप का पुत्र ही हूँ मैं, मेरे माँ बाप इस संसार में नहीं है तो उनका पुत्र भी हूँ मैं, बच्चों का बाप हूँ, भाई का भाई हूँ पर जी मेरा नाम नहीं है। नाम एक, एक क्या हो, अगर एक टीचर बच्चे को कहे बच्चों फलों के नाम लिखो, बच्चों फलों के नाम लिखो, तीन फलों के नाम लिखो तो कौन सा बच्चा पास होगा? लिखेगा सेब संतरा केला, जाओ और फलों के नाम लिखेगा पास होगा? अगर लिख दे फलों के नाम लिख दिए हैं, फलों के नाम लिख दिए हैं तो टीचर भी कहेगी घर में, लेटर भेजेगी, फोन करेगी कि आपके बच्चा तो मंदबुद्धि है, इसका दिमाग सही नहीं है, इसे सिखाओ, इसे तो फलों के नाम नहीं पता। हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन आमीन। ठीक है, इसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एक नाम है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 16 चैप्टर इसकी 25 आयत पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं। एक बार चले गए प्रभु तो लोगों से दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? यीशु कहता है उनके लिए हर बात दृष्टांत दी है, इनकी समझ तुमको दी गई है, उनको नहीं, उनको इसकी समझ दी नहीं गई, समझ तुमको दी गई है। किनको? जो जगत की नेम डालने से पहले से चुने हुए हैं। आमीन हालेलुया, जगत की नेम डालने से पहले हम कहां थे? प्रभु के विचारों में थे। आमीन हालेलुया, इसकी समझ उनको दी हुई है। अरे भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती, हम किसी को समझा नहीं सकते, सुना सकते हैं समझा नहीं सकते, समझाने वाला एक ही है, वो महान पवित्र आत्मा है। आमीन, जो जगत की नेम डालने से पहले जो खुदा के विचारों में थे वो आज हर बात के ऊपर अविश्वास नहीं करेंगे। भाई आमीन आमीन, बात समझ ना भी है तो अविश्वास नहीं करेंगे, वो विश्वास करेंगे। ये बातें मेरे प्रभु की हैं, ये बातें मेरे यीशु मसीह की हैं, मुझे इसकी पालना करनी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। ये बातें तू लोगों से, ये बातें दृष्टांतों में कही मैंने, पढ़िए आगे। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूंगा, दृष्टांतों में तुम्हें फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोल के तुम्हें पिता के विषय, खोल के पिता के विषय बताऊंगा कि पिता कौन है, वो मुझ में और मैं और मेरा पिता एक है, एक है। जैसे कुलसी पत्री हम निकालते हैं, दो पढ़ते में पढ़िए, पढ़ा जाए इसको, कुलसियों की पत्री इसका दो का दो पढ़ेंगे, कुलसियों, हाँ
ताकि उनके मनों में शांति हो, लोगों के मनों में शांति हो और वे प्रेम वो शांति का राजकुमार उनके अंदर आए। पढ़िए, और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, वो प्रेम से आपस में गठे रहे, मिले रहे, और वे पूरी समझ का सारा धन, पूरी समझ का सारा धन, पूरी समझ का सारा ही धन। पढ़िए, और परमेश्वर पिता के भेद को, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचाने, अर्थात मसीह को पहचाने। मसीह परमेश्वर पिता का एक भेद है, एक रहस्य है। आज लोग इस रहस्य को नहीं जानते, वो सारे भेद ही सात मोहरों में छिपे से। हालेलुया, हवा ने कौन सा फल खाया? बाइबल में था और सात मोहरों में छिपा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, आपको बहुत सी बरकत देगा। आमीन। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ, मैं कुछ आते पढ़ता चाहता हूँ। जब दूत यूसुफ के पास आया, यूसुफ अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। हालेलुया, उसके घर एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। उसके घर पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यानी का पुत्र होगा, उसका नाम पुत्र रखना। उसका नाम यीशु रखना। पुत्र का नाम क्या है? यीशु। यीशु कहता है मैं अपने पिता के नाम से आया, मैं अपने तो फिर पिता का नाम क्या हुआ? फिर यीशु जी जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, सात का ग्यारह पढ़ते जब पढ़ते हैं, दस से पढ़ते हैं, तो वहां लिखा हुआ है पिता अपने उस नाम से इनकी रक्षा कर जो नाम तूने मुझे दिया। पिता अपने उस नाम से इनकी रक्षा कर जो तूने अपना नाम मुझको दिया। क्या नाम दिया उसे? लिखा उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नाम, महिमामय नाम। आमीन। आज सब गीत इसी नाम से हैं, यीशु के नाम से गीत हैं। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। मैं आप परसों गीत लिख रहा था, एक पंजाबी में गीत लिख रहा था, प्रभु ने गीत दिया, भावें संसार उत्ते, भावें संसार उत्ते बीमारी ना मुरादे, भावें संसार उत्ते बीमारी ना मुरादे, यशु की दुल्हन लहू हेठा बाकी बर्बाद है। दुल्हन लहू हेठा बस वह आबाद है, तो बाकी संसार बर्बाद है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे ऊपर लहू का टोकन लग चुका है। जिस घर में लहू था वहां जीवन था, जहां खुदा के लोग थे वहां उजाला था, मिशन में अंधकार था। हालेलुया, वहां जीवन था, मिशन में पेलोठों तक की मृत्यु हुई, पशु तक मृत्यु हुई ना। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं कहना चाहता हूँ उस लहू के नीचे आ जाइए, उस लहू के नीचे आ जाइए। उसका लहू हमें सब पापों से, सब अधर्म से शुद्ध करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लूका रचित सुसमाचार, लूका इसका 24 चैप्टर होगा, 24 का 47 से पढ़ेंगे। और जरूशलम से लेकर सब जातियों में मन फिरा था, मैं चाहता हूँ 45 से पढ़ा जाए। तब उसने पवित्र शास्त्र भूजने के लिए उनकी समझ खोल दी। यीशु ने अपने चेलों की पवित्र शास्त्र भूजने के लिए समझ खोल दी। पहले वो विश्वास करते थे, समझ ना आए तो भी विश्वास करते थे, तब पवित्र शास्त्र को बाइबल को समझने के लिए उनकी समझ को खोल दिया। पढ़िए, और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरहों में से जिंदा हो जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और यरूशलम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किस नाम से किया जाएगा? यीशु नाम से किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम दो नाम देखे, हमने पिता का नाम देखा, पुत्र का नाम देखा, तो आइए हम अभी पवित्र आत्मा का नाम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 चैप्टर 14 का 26 से पढ़ेंगे। पढ़िए, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वो सहायक, वो मददगार अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किस नाम से भेजेगा? मेरे नाम से। तो क्या नाम होगा पवित्र आत्मा का? यीशु नाम। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा,
पढ़िए, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो बातें मैंने तुमसे कहा है, वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मैं तुम्हें स्मरण कराएगा। और यीशु ने कहा, जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, मेरे मुंह का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी वचन नहीं टलेगा। तो यीशु ने कहा वो तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद कराएगा। तो जब पवित्र आत्मा, क्या उसने याद नहीं कराया? Amen. क्या याद कराया? कि वो नाम यीशु, यीशु नाम है, नाम प्रभु यीशु मसीह है। Amen. वो नाम उद्धारकर्ता का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। तो बपतिस्मा किस नाम से है? प्रभु यीशु मसीह के नाम। तो आप लोग क्या करते हैं? मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं, जो कि वचनानुसार रही है। इस बाइबल में जितने भी बपतिस्मे दिए गए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिए गए, नाम से दिए गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चतुर्थी साथ हम प्रेतों काम अर्थात चेलों के काम, जिन्होंने कार्य किए, ठीक है, जो पवित्र आत्मा के काम, मैं कह सकता हूँ पवित्र आत्मा के काम। कुछ चेलों के अंदर पवित्र आत्मा था, और जे प्रेतों का पुस्तक लिखी किसने? लूका ने लिखी। और जो उसने देखा, जो देखा वो लिखा कि प्रेतों के काम, हालेलुया, अर्थात पवित्र आत्मा के काम, ठीक है। तो विश्वास करना कितना बड़ा पाप है, इसका हम निकालेंगे 8 चैप्टर, इसकी 8:14 से पढ़ेंगे। 14, हाँ। जब प्रेतों ने जो यरूशलेम में थे, कुछ प्रेत यरूशलेम में थे, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। सामरी लोग, जिसे लोग घृणा करते थे, उन्होंने परमेश्वर का वचन मान लिया है। तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजा पत्रस और जुहना को उनके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, वो पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। वो उनमें से किसी पर ना उतरा था, उनमें से किसी पर उन्होंने प्रार्थना की, वो उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आप कह सकते हैं उनका बपतिस्मा गलत था? पौलुस कहते हैं गलत था, देखो उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। कहते हैं उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जे कभी लिखा उसी समय तुम्हें पवित्र मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? वादा कि तुम्हें पवित्र आत्मा पाओगे, तुम पवित्र पाओगे। उस समय का पवित्र आत्मा देने का जो वरदान था वो यूहन्ना और पतरस के पास था। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। जो फिलिप्पुस था वो पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, परमेश्वर आत्मा उसे कहां ले गया? उस हबशी खोजे के पास, हबशी खोजे के पास, जो कंदाके की रानी का क्या था? खजांची था उसका, हम कह सकते हैं कौन सा मिनिस्टर कहते थे? फाइनेंस मिनिस्टर था उसका। और जानते खोजा किसको कहा जाता है? खोजा वो होता है जैसे मनुष्यों के द्वारा हिजड़ा बनाया जाता है, वो पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। वो देखने में पुरुष जैसा होता है, उसके शरीर में बाल जो होता है पुरुष जैसा होता है, ताकि रानियों की रक्षा कर सके। आमीन, हालेलुया। वो कंदाके की रानी का क्या था? प्राइम मिनिस्टर था। वो यरूशलेम में भक्ति करने आया हुआ था, यरूशलेम में भक्ति करने के लिए आया हुआ था। और रास्ते में रथ में बैठकर वो क्या कर रहा था? बाइबल को पढ़ रहा था, इशाया 53 वो पढ़ रहा था। तो पत्रस फिलिप्पुस उसके पास गया, कैसे ले गए इतनी दूर पर? उसे खुदा ले गया उसे, उसने कहा श्रीमान जो तुम पढ़ते हो उसे समझते भी हो? कहता जब तक कोई ना समझाए कैसे समझे। तो उसने उसे अपने साथ रथ पे बिठा लिया, अपने साथ फिर उसे खोलकर यीशु के विषय में बताने लगा, उस नाम के विषय में बताने लगा। वो कहता क्या ये बात नबी अपने लिए कह रहा है या किसी और के लिए? उन्होंने बताया कि ये यीशु मसीह के विषय में कह रहा, प्रभु यीशु मसीह के विषय में कह रहा। तब रास्ते में पानी आया, अगर छिड़काव ही करना होता तो पानी उसके पास होता भाई, वो प्राइम मिनिस्टर था, अगर पीने के लिए पानी छिड़काव ही करना था पानी उसके पास होता। रास्ते में आया और लिखा कि फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी के बीच उतरे। दोनों पानी के बीच उतरे, हम यीशु मसीह बारे जानते हैं, यीशु मसीह पानी से ऊपर आया, अर्थात पानी में गया तो ऊपर आया। हालेलुया, आमीन। तो बहुत सारे ऐसे छिड़काव करते हैं कि तेरा बपतिस्मा हो गया है, जे बपतिस्मा नहीं है, जे ईसाई धर्म का रीति रिवाज है, इसका बाइबल के साथ कोई भी संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
आमीन हालेलुया हालेलुया। तो लिखा जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का ही उद्धार होगा, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। पहला स्टेप विश्वासी है और विश्वास क्षमा पर किस पे आधारित है? विश्वास क्षमा पर आधारित है। आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम 10 चैप्टर निकाले इसका, 10 चैप्टर मैं जल्दी करना चाहता हूँ, टाइम काफी हो चुका है। 10 का 48 पढ़ेंगे। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं ना वो दूसरे लोगों की नजर में बावले ठहरते हैं। बाइबल में कहेंगे दो दूसरे परमेश्वर की नजर में क्या ठहरते हैं? वो बावले पागल ठहरते हैं। हम तो संसार के लिए पागल है भाई, मैं तो मसीह के लिए मूर्ख हूँ। एक भाई था उसने अपने नाम के आगे एक पट्टी लगाई थी, यहाँ पे एक गले में डाली थी, मैं मसीह के लिए मूर्ख हूँ। तो लोग उसकी ओर देख हंसते थे। उसने एक पीछे लगाई थी, तुम किसके लिए मूर्ख हो? तुम किसके लिए मूर्ख हो? एक अंडा, एक इंसान गूंगा था, कान से बहरा था, वो बाइबल एक चर्च जाता था, वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, पर बाइबल एक चर्च जाता था। वो चर्च जाना किसी ने, पर वो लिख सकता था, पढ़ सकता था। आप जानते हैं भाषा होती है, वो लिख पढ़ सकते हैं। और उसने किसी ने क्वेश्चन किया, भाई लिखकर क्वेश्चन किया, तू ना चर्च में बोल सकता है ना तू सुन सकता है, वहां क्यों जाते हो? अपने घर में बैठा करो, क्यों टाइम बर्बाद करते हो? उसने लिख के जवाब दिया, मैं शैतान को बताना चाहता हूं कि शैतान मैं तेरी ओर नहीं हूं, मैं तो यीशु की ओर हूं। मैं विश्वास करता हूं विश्वासी लोग शैतान को बताएंगे कि हम किसी इंसान की ओर नहीं है, हम वचन की ओर है। मैं वचन के पक्ष में खड़ा हूं। किसके पक्ष में खड़ा हूं? क्यों? वचन जी मेरे पक्ष में खड़ा है। हालेलुया। प्रभु के प्रेमियों, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देगा। मैं जानता हूँ प्रभु से प्रेम करते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी प्रभु से प्रेम करते हैं। जहाँ मेरे हमारे बच्चे बैठे हैं ये प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। हाँ पढ़िए। और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। जब 10 चैप्टर पढ़ते हैं तो प्रभु के दूत ने कहा कि पतरस शमौन के घर में ठहरा हुआ है जो चमड़े का कारोबार करता है, ठीक है। दूत ने कहा, उसको भी पतरस को कहा, तेरे पास वो लोग आ रहे हैं उनके घर में जाकर मीटिंग कर। आमीन देखिए, दोनों से प्रभु का दूत कह रहा है तो क्या विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब पतरस घर में गया तो वो जो घर का मालिक था कर्नेलियस पतरस के पांव पे गिरा, सजदा करने के लिए पांव पे, तो पत्नी से उठाया, देख भाई मैं भी तेरी तरह का मनुष्य हूं, मुझे सजदा मत कर, मेरे पांव में मत गिर, मैं तेरी तरह का मनुष्य हूं। आमीन। तो आज जो पास्टर लोगों को अपने अपने पांव में हाथ लगाकर बड़े खुश होते हैं, पांव में हाथ लगाकर बड़े खुश, फिर लोग देखो हमारे पांव में हाथ लगाते हैं। ये सब बातें वचन के उल्ट है। हालेलुया। ये बातें रॉन्ग है। हमें वचन की समानता में बनना है, हमें दीन बनना है। हालेलुया 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 हालेलुया। जब मीटिंग चल रही थी, जब मीटिंग चल रही थी, पत्रस प्रचार कर रहा था, पत्रस के प्रचार करते करते ही वहां पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। और जहां पढ़ी वहां सबको समझा रही थी, और देखा लोगों ने उन्हें अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, उन्हें समझा रही थी लोगों को। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो नकल नहीं कर रहे थे ना, वो देखे देखे नहीं बोल रहे थे, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहे थे। आमीन। कैसे बोल रहे थे? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोल रहे थे। तब पत्र ने कहा, क्या आप कोई जल को रोक सकता है? हालेलुया। क्या आप कोई जल को रोक सकता है कि नहीं? इन्हें बपतिस्मा ना दिया जाए। उसने आज्ञा दी, पढ़िए, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। इन्हें यीशु मसीह के नाम से दिया जाए। किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। मैं सोचता हूं इसका 19 चैप्टर का लिए, 19 चैप्टर शुरू से पढ़िए। और जब अपोलोस कुरिन्थियस में था, हाँ, तो अपोलोस ऊपर के सारे देश से होकर अफसुस में आया, और कई अपोलोस था, एक अपोलोस था, जो अपोलोस था वो भी प्रभु का भय मानने वाला था,
वो वचन की सही सही शिक्षा देता था, पर वो सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे तक ही जानता था, आगे नहीं जानता था उन्हें, ठीक है। तो उसने इतराज नहीं किया उसने कि जो मेरी कलीसिया तोड़ दी सी आगे, खुदा के लोगों को डर नहीं होता कि मेरी कलीसिया टूट जाएगी। यीशु ने कहा जो प्राण मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता, मैं ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिसके ऊपर दो लोग के फाटक प्रबल ही नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा ना जिस पे नरके फाटक दो लोग के फाटक प्रबल ना होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कलीसिया कैसे टूट सकती है, जो चट्टान पे बनी है वो कैसे टूट सकती है? मैं कहता हूं कि मेरी कलीसिया तोड़ो, तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? जो चट्टान पे बनी है वो कभी टूट ही नहीं सकती। आमीन। जो चट्टान पे नहीं बनी है वो टूट जाएगी, वो आज भी नहीं है वो कल भी नहीं है। हालेलुया। यीशु ने अपनी चिट्ठी चिट्ठी कलीसिया बनाई चट्टान पे, अर्थात प्रकाशन पे बनाई, प्रकाशन पे बनाई है। पतरस मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा चट्टान पे, तेरे ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। पत्थर का नाम जाना कैफा भी है, कैफा का अर्थ है छोटा पत्थर, छोटा छोटा पत्थर। आमीन। कैफास उसका क्या है? छोटा पत्थर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसने पौलुस ने क्वेश्चन किया, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? वो कहने लगे हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो फिर पौलुस कहने लगा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? वो बोले यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस कहने लगा यूहन्ना ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा देता था कि जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु पर विश्वास करना। आमीन। जो मेरे बाद आने वाला है अर्थात यीशु पर विश्वास करना। तो लिखा ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। आप कहिए दोबारा लिया? नहीं, दोबारा नहीं लिया। पहले अगर मैंने शर्ट रोटी डाली हो तो बाहर चला जाऊं, लोग मेरा हंसी ठंडा उड़ाए तो किन अच्छी बात है। क्या करो भाई, मुझसे प्रेम करता है कि भाई आपकी शर्ट रोटी है सीधी कर लो, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए। हालेलुया। मुझे सब कुछ इसको सीधा करना चाहिए। आमीन। पर अफसोस है यार, बहुत लोग बुरा मानते हैं, तूने मुझे क्यों कहा ये बातें, तूने मुझे क्यों कही? पर हम तो कहेंगे भाई, हम कहेंगे, कोई माने ना माने हम तो कहेंगे। हालेलुया। एक जगह संत पौलुस प्रचार कर रहा था, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, जो पौलुस प्रचार करता था वो उसका विश्वास करते थे, पर घर जाकर वो वचन से देखते थे कि बातें ऐसी हैं या नहीं है। घर जाकर वो क्या करते थे? आप इन बातों को सुन रहे हैं तो अपने वचन से खोज करना, सर्च करना कि जो बातें बोल रहा हूं वचन के अनुसार है या नहीं है, कि ये बातें वचन के अनुसार। देखा जहां के लोग तसलुकी के लोगों से अच्छे थे, जो पौलुस प्रचार किया वो विश्वास किया, लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। पर घर जाकर वो इस बात की खोज करते थे कि जो बातें पौलुस कह रहा है वैसे हैं जहां नहीं है। हमें भी खोज करनी है कि जो बातें कही जा रही हैं ये ऐसे है जहां नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस का बपतिस्मा कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तभी तो यीशु मसीह के नाम से दे रहा हो, जो लिया वही देगा ना। जब इसका भाईचारा पढ़ते हैं प्रेरितों काम का, हनन्याह से कहता है पौलुस अब क्यों देरी करता है, उठ उसका नाम लेता हुए बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। उसका नाम लेता हुआ, तीन नाम लेता हुआ नहीं, परमेश्वर कभी भी त्रिएक नहीं था। त्रिएक शब्द बाइबल का शब्द ही नहीं है। ये त्रिएक शब्द कहां से आया? ये बाइबल का शब्द नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर, पर भेद है, मसीह परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर पिता का भेद। मैं जानता हूं सिर्फ इस बात को दुल्हन ही जानती है जो रैप्चर में जाने वाली है। जो रैप्चर में जाने वाली वही जानती है, संसार नहीं जानता। और वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, पर हम जानते हैं। हम जानते हैं, जैसे अजूब कहता है हम जानते हैं, अजूब कहता हम जानते हैं, जूना कहता मैं जानता हूं, हम जानते हैं। हालेलुया। अजूब कहता मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, हम जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा छुटकारा देने वाला एक ही है, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आसमान के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम दिया नहीं गया है, नहीं गया है। हमें ढूंढने की जरूरत है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ढूंढो, क्यों नहीं ढूंढते? क्या ढूंढने जाते हो? ढूंढो, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। पाओगे, हमें ढूंढना पड़ेगा। आमीन।
मैं बस अभी दो बातें पढ़ूंगा और हम पढ़ेंगे रोमियो 6:3 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। जैसे मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो जी उठने के समान भी जुड़ जाएंगे। मन खराब क्या है? मन खराब करता है मरना संसार के लिए। आप जानते हैं उस समय बहुत सी विधवाएं संसार में थी, एलिया के समय में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया एक ही विधवा के पास भेजा गया। आज भी संसार में बहुत से लोग विधवा समान जीवन जीते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, पर एलिया आज भी एक ही विधवा के पास भेजा गया जिसके पास विश्वास है। पहले तो वचन अनुसार कर, फिर परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पहले वचन के अनुसार कर, आमीन। आप वचन अनुसार करें, आपके जीवन आशीषित होंगे, प्रभु यीशु आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। पढ़िए आगे। क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप उनके साथ है उसके साथ। पढ़िए। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या इस बात को तुम नहीं जानते? हम मौत की समानता में उसके साथ गाड़ेंगे। ये क्या गाड़े जाना? गाड़े जाना करते पहले मरेंगे तो गाड़ेंगे ना, मरे को तो फनाया जाता है, जीते को नहीं। बहुत से लोग तौबा करते हैं, मन फिराते हैं तो फिर वही संसार में चले जाते हैं। क्यों? वो मरे नहीं होते, फिर अपनी कब्र खोते हैं, फिर कब्र को खोते हैं, फिर पुराने जीवन को ले जाते हैं, पुरानी बातें फिर आ जाती हैं। क्यों आती हैं? मरे नहीं, जिंदों को तो फना दिया गया। जब जिंदे तो फना देंगे तो फिर कब्र को फिर उखाड़ेंगे ना। हालेलुया। पहले हमें मरना है, पूरी रीति से मरना है, संसार की विलासों से, जीविका के घमंड से। आमीन। देखा कोई अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को लगाम लगाए, अपने होठों की रक्षा करे, प्रार्थना करे, प्रभु अपना पहले दर मेरे मुंह पे बिठा। बहुत सी बातें बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमें दोषी ठहराती है, हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बनती वो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिस इंसान के पास एक देह का प्रकाशन नहीं है वो इंसान अंधा है। मैं जानता हूं दुल्हन के पास एक देह का प्रकाशन है, वन बॉडी का प्रकाशन है, एक शरीर का प्रकाशन है। आमीन। और बॉडी किसकी है? वो मसीह की बॉडी है। हम मसीह की देह के अंग हैं, हम मसीह की देह के अंग हैं। हालेलुया। आप प्रभु चाहे मैं द्वारा कभी इसके ऊपर अन्य भाषा के ऊपर जैसे हम प्रूव हो लेते हैं इसके ऊपर कुछ मैं स्टडी डालना चाहता हूँ, वचन डालना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि लोग विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नहीं जानता हूँ, पर जो मुझे प्रभु प्रेरणा कर रहा है मैं तो डालूंगा। आप विश्वास करें चाहे ना करें, जो दुल्हन वो विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। लास्ट में पढ़ेंगे हम गलातियों की पुस्तक 3:27 पढ़ेंगे। हम जानते हैं ये संसार हमारा रहने वाला घर नहीं है, ये संसार हमारा पक्का रहने वाला घर नहीं। जब देश में जाना हो ना तो वहां एक राजदूत होता है, हर देश में एक राजदूत होता है, उसकी स्टैंप होनी जरूरी है। आप कहेंगे हाँ पत्रस ही बात नहीं मानेंगे, बोलो चेला था, मत मानो। पुलिस भी चेला था, पुलिस ही मानते हो, पुलिस की बातें मानते हो, पुलिस भी तो यीशु मसीह के नाम से बसन दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, मसीह को पहन लिया। अगर मसीह को नहीं पहना तो आप आत्मिक रीति से नंगे हैं, आत्मिक रीति से नंगे। वो कहता मुझसे वस्त्र ले, उससे वस्त्र ले, वस्त्र ले। लिया। लिया। तो लास्ट में मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रूफ कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ 21 प्रकाशित वाक्य का क्या मैं चाहता हूँ 14 पढ़ेंगे 21 का। और नगर की शहरपनाह की 12 नेवे थी, वहां जो नगर था उसकी शहरपनाह की 12 नेवे थी, और 12 बुनियाद थी, और बुनियाद का शिक्षा, बुनियाद का शिक्षा 12 नेवे थी। पढ़िए। और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे, मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे।
कि दुल्हन कहां बनाई गई है, तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? तू प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नेम पर बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन कहां बनाई गई है? उस शिक्षा के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर, जो विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। ढूंढो, जैसे हम नीति में पढ़ते हैं, वहां लिखा राजा की महिमा इस बात को होती है कि बात को छुपाए। हालेलुया, हाँ, परमेश्वर की महिमा इस बात में है कि वो बातों को छुपाए, पर राजा की महिमा इस बात में है कि वो गुप्त बात की पड़ताल करे। तो राजा कौन होंगे? जो राजाओं का राजा होगा, तो कौन राजा होंगे? वो हम राजा होंगे। हालेलुया, वो प्रभुओं का प्रभु होगा, तो प्रभु कौन होंगे? वो बड़ा प्रभु होगा, हम छोटे प्रभु होंगे। हम छोटे राजा, वो बड़ा राजा होगा। तो हमें इन बातों की खोज करनी है, ढूंढना है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हम जैसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ, है हमारे जिंदा खुदा, हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, जैसे हम तेरे वचन से सीखा है, और मैं चाहता हूँ प्रभु तेरे लोग आशीष पाए, बरकत पाए, और गड़बड़ से बाहर आ जाए प्रभु, सारी कन्फ्यूजन से बाहर आ जाए प्रभु। को मैं जानता हूँ तेरी दुल्हन कन्फ्यूजन में नहीं है प्रभु, वो विश्वास में है प्रभु। हम जानते हैं खुदावन, मेरे हर एक भाई बहन को बरकत दे, तमाम तरह की बीमारी से, मांगी से चंगाई प्रदान कर खुदावन। को मैं जानता हूँ प्रभु तो हमसे प्रेम करता है, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। हम तुमसे प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें कुछ देता, तो कुछ मत दे प्रभु, हम तभी तुमसे प्रेम करते हैं। हम जानते हैं हमेशा हम तेरे संग रहेंगे, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम हमेशा तेरे संग रहेंगे। तेरे महान पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। जो तेरे वचन का विरोध करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको क्षमा दे कर प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि दे प्रभु, कि वो भी तुझे ग्रहण कर सके। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन।